के जनपद बाराबंकी की, जहां कोतवाली देवा क्षेत्र में पिकअप में ठूस ठूस कर भरे हुए पशुओं को कुर्सी स्थित अमरूद फैक्ट्री काटने के लिए ले जाया जा रहा था। विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारियों ने जब मामापुर नहर के पास पिकअप वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन पर मौजूद लोगों ने अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। उधर से गुजर रहे मीडिया कर्मियों ने जब वाहन चालकों से पूछताछ की तो सारा माजरा खुल गया। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। वही देखना यह होगा कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है या फिर जनपद में ये सिलसिला यूं ही लगातार चलता रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कहां रहने वाले? शाहपुर। तुम? बड़ागांव। बड़ागांव अली हसन। बड़ागांव कौन सा वाला? मसौली बड़ागांव। मसौली थाना है आपका जी? कहां से ला रहे हो ये भैंस? मसौली बाजार से। मसौली बाजार से कहां ले जा रहे हो इनको? अमरून जा रहे हैं। कितनी भैंस हैं दोनों गाड़ियों में? इसमें चार भैंस हैं, एक बच्चा है। किसमें? इसमें दोनों में कितनी? दोनों गाड़ियों में कितने टोटल? नौ हैं टोटल। नौ जानवर हैं, दो कड़वे हैं और बाकी भैंस हैं। कागज कितने का बनवाए हो? कागज तो हैं सर। ये कितने कितने जानवरों के हैं कागज? कागज मतलब ये यही कंपनी में लेते हैं भैया, कंपनी में इसी की मानता है। ये कहाँ पे है अमरून फैक्ट्री? ये कुर्सी से एक दो किलोमीटर आगे है। क्या क्या लखनऊ? ये जो भैंसें जाती हैं इनका क्या होता है? इनका क्या होता है? ये करती हैं वहाँ पे, इनका विदेश जाती हैं, विदेश इनका माल जाता है, मीट और क्या। तो ये पड़वा जो छोटे वाले ले जाते हो, ये बच्चे नहीं जाता, छोटे नहीं, ये भी कट जाते हैं? कितने महीने के होंगे, कितने साल के? नहीं, ये पड़वा वहाँ कटने नहीं जाए, मतलब दूसरे के वहाँ कुर्सी के हैं, वहाँ कुर्सी में जाके दे दे। अरे हाँ, ये नाम बताइए। क्या नाम है? अब उनका हमका नाम नहीं मालूम है। तो बिना नाम के तुम गाड़ी चलाओगे, ले जाओगे, इसमें 10 भैंसे तुमको बताएं तो 10 ला दलोगे, 5-5 ला के रखे। इस तरफ देखिए, इस तरफ वीडियो देखिए। एक एक पिकअप में कितने जानवर ला देने चाहिए? बस तीन चार। बस तीन चार? ये कोई तीन चार जानवर एक पिकअप में लगने चाहिए? नहीं मतलब। भाई साहब, क्या नाम क्या है पहले तो ये बताइए अपना। मेरा नाम है बबलू वर्मा जी, और मैं जिला अध्यक्ष हूँ हिंदू महासंघ जनपद बाराबंकी। किस प्रकरण को लेकर आज आप यहाँ पर एप्लीकेशन देने आए थे देवा कोतवाली? प्रकरण ये था कि मेरा भतीजा है, वो उधर से आ रहा था रास्ते से, तो दो गाड़ियाँ लद के आ रही थी जानवरों से लदी हुई, तो उसको ओवरटेक करने का प्रयास किया, तो वो भतीजे के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किए गाड़ी वाले, फिर पूछने पता चला कि गाड़ी में एक एक छोटा छोटा डाला जो होता है, छोटा हाथी उसमें जो है एक एक गाड़ी में 5-5, 6-6 जानवर लदे हुए हैं, और जो क्रूरता के अधिनियम के अंतर्गत आता है, और पूछने पे पता लगा कि ये लोग जानवर ले जा रहे थे अमरून फैक्ट्री। और अमरून फैक्ट्री में बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि अमरून फैक्ट्री में वो जानवर काटे जाते हैं जो डॉक्टर के द्वारा सर्टिफाइड हों कि ये कभी पैदा नहीं कर सकते हैं, दूसरा जानवर पैदा नहीं कर सकते हैं, और वो दुधारू ना हो, और जबकि मौके पे सारे जानवर दुधारू हैं। पुलिस को सूचना दे दी गई है, गाड़ियाँ और मैं जानवर के सुपुर्द हो गई हैं, थाने के सुपुर्द हैं, दोनों गाड़ियाँ प्लस जानवर अंदर हो गए हैं। देखते हैं पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है। किस प्रकार की कार्रवाई है पुलिस से आप आगे जा रहे हैं? अब जो पशु क्रूरता अधिनियम है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, गाड़ी मालिकों पे भी, और क्योंकि बगैर पेपर के जानवर जा रहे थे तो मुझे लगता है शायद ये जानवर चोरी के हैं, क्योंकि जो रवन्ना दिखाए गए वो संतोषजनक नहीं थे, वो एक ही नाम से कई रवन्ने हैं, और इसमें शायद बाजार का भी कुछ हाथ है, मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि रवन्ना मुझे लगता है फर्जी है, कागज़ जो भी है फर्जी है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।